जी ग्रेट ग्रेट, आवाज क्लियर होनी चाहिए. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट नाउ. आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज एट व्हाट कट ऑफ डज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस दैट ऑफ साइकिल ऑटो साइकिल. तो इसका बताएं जी. जी इसका बताइए, भाव तक नहीं दे रहे क्या? यश किसकी का भाव नहीं दे रहे? अरे यार मुझे ये लगता है कि मैं अगर फालतू की बातें करूंगा तो मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, तो इसीलिए मैं बहुत कम बातें करता हूं. मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? तो आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है. जितने क्वेश्चन आप ज्यादा करोगे आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा. तो मैं सिर्फ एक आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इससे ज्यादा कुछ मत सोचा करो, पढ़ा करो बस ज्यादा से ज्यादा. जी इसका राइट आंसर दे. जी इसका राइट आंसर 1 पॉइंट हम लिखेंगे, 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट बी, 1 पॉइंट सी, जो भी उसका राइट आंसर होगा वो आप लिखोगे, 1.1 ए जो भी है. अरे नहीं, बच्चे ऐसा कोई कमेंट का नहीं है, कमेंट आपका पढ़ा था. माइक टाइप साउंड आ रही है, तो ये आप कह रहे हैं कि डबल साउंड आ रही है, ये बता देना बस. ओके. अरे लड़कियों जैसे बातें मत करेगा, मैकेनिकल में आप कोई कंप्यूटर के बच्चे तो है नहीं हो, लड़कियों जैसी बातें मत किया. सर मेरे कमेंट नहीं पढ़ा आपने, तो ऐसे कम लड़कियों वाली बातें नहीं करनी है. आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर अभी तक नहीं आया यार मेरे पास, अभी तक इसका राइट आंसर नहीं आया. समर प्ले हाउस, हाउ आर यू? हेलो हेलो समर प्ले हाउस. जी इसका राइट आंसर दे समर. गगनदीप अली इसका राइट आंसर दे. तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी, एक ही स्टूडेंट ने अभी तक राइट आंसर दिया है, 0. कट ऑफ रेशियो जो है हमारे पास, कट ऑफ जो है एफिशिएंसी, अगर डीजल साइकिल का 0 कर दें, ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है. ओके 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 लड़की, सॉरी 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 बच्चे, मैं मैकेनिकल में आदत है लड़कों को पढ़ाने की, इसलिए. शारदा जी सॉरी, शारदा जी सॉरी. तो एक्चुअली हमारा मैकेनिकल वाले को 99% लड़के होते हैं, तो हमें आदत है. तो कट ऑफ रेशियो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको कि मेरे पास कट ऑफ जो एफिशिएंसी, पहले ना आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये तो याद कर लो, अगर आपको बाय हार्ट इसका फॉर्मूला ये नहीं याद तो ये नहीं होगा कि ये क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता इसमें से क्वेश्चन ना आए. एसएससी जेई में इसमें से एक एक क्वेश्चन आना ही है, जो मर्जी कर लो आप नहीं चेंज कर सकते उसको. तो हमारे पास इसमें क्या है कि कट ऑफ रेशियो अगर इसको हम 0 कर दें, तो हमारे पास ये अगर 0 होता है तो ये एफिशिएंसी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, हमारी ऑटो साइकिल जैसी ही दिखेगी. देखो ऑटो साइकिल जैसी ही दिखेगी, तो हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे होता है. ओके ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ साइक्लिंग प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 20 किलो जाउल, -30 किलो जाउल, -5 किलो जाउल एंड 10 किलो जाउल. वट इज द नेट हीट फॉर द साइक्लिंग प्रोसेस, वट इज द नेट हीट? तो ये बताइए जी, ये इसका राइट आंसर कितने लोगों को पता है? मनी हाइस्ट की बातें कर रही है यहाँ पे, तो ये तो मनी हाइस्ट की. हाँ इट्स धैया, थैंक यू. ओके ओके जी. मैं कहीं आप में से किसी को कोई वीडियो चाहिए हो ना, कि अगर आपको लगता है कि ये वाला बना दो, मुझे बता दिया करो कि सर मेरे मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा. राम राम निदान जी, राम राम. तो उस पे मैं बना दूंगा आपको, टॉपिक पे बना दूंगा, उसी टॉपिक पे मैं बना दूंगा. तो साइक्लिक प्रोसेस है बच्चे ये, जिसमें 20 किलो जौल पहले, फिर -30 किलो जौल, फिर -5, फिर +10 है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रदीप कुमार क्या होगा? कैलकुलेशन नहीं सही बैठी क्या? कैलकुलेशन सही नहीं बैठी? कैलकुलेशन सही करके देखो. एएमआई मुझे लगता है सर ये बंद नहीं हो गया था, एएमआई एएमआई के एग्जाम में ये सेक्शन, ये मुझे लगता है कि एएमआई बंद हो गया था. तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी अली, इनका सही है, गगनदीप आपका सही है, -5. तो आपने कुछ नहीं करना है यार, प्लस माइनस करना है इसमें, जो प्लस वाले आइटम है माइनस वाले आइटम, प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना. तो वो जो करते हो आपके पास ये -5 आया था. डी जिम आदित्य, डी रेटर पे वीडियो चाहते हैं, जो आपकी डिमांड है वो मुझे प्लीज कमेंट कर दिया करो कि आपको लगता है कि कौन सी वीडियो. मेरी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है कि मैं खुद नहीं डिसाइड कर पाता कि आज कौन सी वीडियो बना पाऊं. ये बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता दें, उसी टॉपिक पे वीडियो ले लेना, ठीक है. ओके. हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, हाँ जी बच्चे मेरी वीडियो देख लो, फ्लूइड मैकेनिक्स की सारी, वो आपको हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक सारा क्लियर हो जाएगा, आपका क्लियर, एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा.
ओके जी, हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कार नॉट साइकिल, इसका राइट आंसर दे। बच्चे हम बातें बाद में कर ले, धैया जी और संदीप जो भी आप कह रहे हैं ये बाद में हम बातें कर ले, प्रवीण राठौर प्लीज बाद में बातें कर ले, बाद में बातें कर ले, तो प्लीज बाद में बातें कर लेंगे, हमारे पास इसका राइट आंसर। अभी तक मैं बातें करने नहीं आया बच्चे, यहाँ पे बातें करने नहीं है। प्रवीण राठौर प्लीज दोबारा दोबारा मैसेज मत करो, मुझे रिमूव करना पड़ सकता, नहीं तो मैं आपका बता दूंगा, आपको बता दूंगा, लास्ट में आपसे बात कर लूंगा, लास्ट में बात करूंगा आपसे। तो इसका क्या है राइट आंसर जी? इसका राइट आंसर हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है बच्चे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें हीट रिजेक्शन, कार्नोट साइकिल हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल में हमारे पास चार प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन है, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो इसमें हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या कर देते हैं हम हमारे पास हीट रिजेक्शन का करते हैं। ओके नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विद इंटरनल एनर्जी यू? तो ये तो 100% सबको आना चाहिए, ये क्वेश्चन 100% सबका सही होना चाहिए, ये वाला, ये आंसर सबका सही होना चाहिए मुझे लगता है इसका। प्रवीण राठौर आई एम रिमूविंग यू, लास्ट, इट्स लास्ट वार्निंग, आई एम गोइंग टू रिमूव यू राइट नाउ, दिस इज द लिमिट, यू कांट मैसेज इन द सेम मैनर। ओके सो प्लीज स्टॉप मैसेजिंग अगेन अगेन। ओके इसका राइट आंसर जी सबका सही है, शाबाश। एंथैल्पी, तो हमारे पास जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी होता है हमारे पास एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, यू प्लस पीवी। तो ये मैंने ना इस पे वीडियो बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई, इसमें मैं बताता हूँ कि इंटरनल एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी भी काम करने के लिए, इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन होती है, प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो वो हमारे पास एंथैल्पी होता है। तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है। प्रवीण राठौर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लास्ट में आपकी बात सुन लूंगा, मेरे से बातें कर लेना, 5 मिनट में आपको अलग से दे दूंगा। प्रवीण राठौर लास्ट में, एंड में बात कर लेंगे। राम राम रॉयल सोनू जी, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यूपोला? क्यूपोला का प्रोडक्ट क्या निकलता है, क्यूपोला से क्या निकलता है, हमें क्या मिलता है, जल्दी से क्विक आंसर दो, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। 5 क्वेश्चन अभी देखो, 10 मिनट हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हुए, नहीं ऐसा नहीं कर रहा, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं जी। इसका राइट आंसर, राइट आंसर, तो क्यूपोला सी से शुरू हो रहा है, सीधा सा याद है, सी से क्यूपोला, सी से कास्ट आयरन, सी से क्यूपोला, सी से कास्ट आयरन, कास्ट आयरन मिलता है क्यूपोला से, तो हमें ये इसका एग्जैक्टली राइट आंसर पता होना चाहिए जी। इसका सर मुझे लगता है 100% सबने राइट आंसर दिया है। गोल्ड इज डैश मटीरियल, गोल्ड कौन सा मटीरियल होता है, तो आप लिखेंगे 6.A, 6.B, 6.C, ऐसे लिख दो 6.A। अब मुझे नहीं पता फिफ्थ का आंसर आ रहा है मेरे पास के सिक्स्थ का आ रहा है, इसलिए आप मेरे से 2 से 2 मिनट शायद पीछे चलते हो, इसलिए तो आप राइट आंसर लिखेंगे 6A, 6B, 6D, 6C, ठीक है। तो प्रदीप कुमार कान पकड़ लो, जल्दी जल्दी से कान पकड़ लो, राइट आंसर नहीं है आपका, राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर नहीं है आपका। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गोल्ड जो है डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है। सी जतिन गुप्ता शाबाश, आशीष सोनी शाबाश। सेवंथ, स्पीड पे डैश स्टील इज वाइडली यूज्ड फॉर रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के लिए कौन सा यूज करते हैं, माइल्ड स्टील, HSS, सिलिकॉन, निकल, क्या यूज करते हैं, ठीक है। भूलना नहीं है बच्चे, यही तो प्रॉब्लम है, वहां नहीं कह सकते ना, ठीक है, बाद में आके मम्मा पापा को ये नहीं कह सकते सर मैं पापा भूल गया उसके कारण मेरे एक नंबर से सिलेक्शन रहेगी, ऐसे नहीं हो सकता ना, हमें टॉप करना है, 100 में से 99 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, ग्रेट, HSS, हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं, हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं जी। पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी बच्चे आप ना थोड़ा सा 240 या 300 थोड़ा सा हाई क्वालिटी पे कर लो उसको, पिक्चर क्वालिटी ठीक हो जाएगी, पिक्चर क्वालिटी ठीक हो जाएगी। द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर वाई सिलेक्टिंग अ बेयरिंग, बेयरिंग सिलेक्ट करते हुए में कौन कौन सा फैक्टर कंसिडर करना है, अप्लाइड लोड, ऑपरेटिंग स्पीड रेंज, रिक्वायर्ड बेयरिंग कैपेसिटी या ऑल ऑप्शंस। तो इसका 8.A, 8.B, 8.C, 8.D क्या राइट आंसर होगा, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D क्या होगा जी, जल्दी। प्रदीप कुमार का सबसे पहले राइट आंसर आया तो डी, एग्जैक्टली। हमें सब कुछ देखना होता है कि लोड कितना डाल रहे हैं, स्पीड कितनी पे चलाना है और बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके हम बेयरिंग की सिलेक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बेयरिंग की सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जनरली
नॉट यूज्ड इन वेल्डिंग फॉर क्रोमियम मॉलिब्डेनम स्टील, तो हम इसमें से कौन सा नहीं यूज करते हैं, नॉट लिखा है, प्लीज इसको पढ़ लेना, ठीक है जी। इसका राइट आंसर बताएं। तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली नॉट यूज इन वेल्डिंग फॉर क्रोमियम मॉलिब्डेनम स्टील। अब फिर से वही बात, इसका सिर्फ उसका ही पता है जिसको पढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन को। ये वो क्वेश्चन है जो पढ़े हुए क्वेश्चन याद हो रह जाते हैं दिमाग में और वहां पे आ जाते हैं। तो इसमें से ऑक्सी एसिटिलीन नहीं है, समर्ज्ड आर्क नहीं है, थर्मेटैब, ये सब तीनों कर सकते हैं, नॉट वाला है रेजिस्टेंस। हम इस पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इस पे क्रोमियम मॉलिब्डेनम स्टील पे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। डी सिर्फ एक गगन का और पराग का है जी, इनका सही है। विच बॉन्ड इज कॉमनली यूज इन ग्राइंडिंग व्हील, पर ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा यूज करते हैं बॉन्ड, ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं? सर हिंदी मीडियम, अब बच्चे हिंदी तो बोल रहा हूँ, बच्चे हिंदी, इससे ज्यादा हिंदी नहीं करवा सकते हम बच्चे, इससे ज्यादा हिंदी प्योर नहीं हो सकती जी। इसका ए बी सी डी, 10A 10B 10C क्या है इसका? तो इसमें वेट्रीफाइड सिलिकेट, शेलेक या रेजिनॉइड, तो इससे क्या होता है? तो इसमें हमारे पास ए इज द राइट आंसर, वेट्रीफाइड बॉन्ड। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका आंसर गलत होता है क्या करना है, थप्पड़, याद है ना, अपने आप को थप्पड़ मारने वाला काम करना पड़ेगा, अपने आप को थप्पड़ मारना पड़ेगा, नहीं तो फिर फैमिली मारेगी या गली वाले मारेंगे, ठीक है, गली वाले में, हाँ भाई बस इंजीनियर साहब रह गए यहीं पे गली में धक्के खाते हुए, वो थप्पड़ ही पड़ेंगे, तो थप्पड़ नहीं खाने हैं, तो यहाँ पे सही करो आंसर। ओके, बोरिंग कैन बी परफॉर्म बाय, बोरिंग किससे की जा सकती है, बोरिंग किससे की जा सकती है, बोरिंग मशीन ओनली, बोरिंग मशीन एंड लेथ, मशीन बोरिंग मशीन और लेथ से, अ मशीन ओनली बाय सिंगल पॉइंट हाई स्पीड कार्बन टूल, या बोरिंग मशीन लेथ एंड मिलिंग मशीन, तो इसका क्या है बच्चे? मैंने अपने आप को इतने थप्पड़ मारे, मुझे पता है, जब भी नींद आती थी थप्पड़ पड़ता था मेरे, मेरी आत्मा मुझे मेरे शरीर को बोलती थी कि नहीं सोना नहीं है, मेरी आत्मा मेरे शरीर को बोलती थी, इंग्लिश थी ना यार, समझ ही नहीं आता था। जहां मेरे साथ का बेड, मेरे साथ ही रूममेट था, वो इंग्लिश मीडियम था, वो इंग्लिश मीडियम से था, वो एक बार पढ़ता था वो सो जाता था, मैं उसी चीज को चार बार पढ़ता था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था। पहली बार पढ़ते कुछ नहीं पता लगता, दूसरी बार कुछ थोड़ा सा, तीसरी बार चौथी बार में पढ़ के तब सोता था, वो 10 बजे सोता, मैं 2 बजे सोता, ठीक है चलो वो अलग बात है कि उसके बाद मेरे नंबर ज्यादा आ जाते थे, ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा को जगाना। तो इसका राइट आंसर डी, जी जी जी, कुछ लोगों ने गलत किया है बाकी का सही है। बोरिंग मशीन, लेथ और मिलिंग मशीन, तीनों में हम बोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशीष सोनी, गलत हो गया आपका, तो आपको पता है अभी क्या करना है आपने। अमाउंट ऑफ स्टॉक विच कैन बी रिमूव्ड बाय होनिंग, तो कितना हम अमाउंट रिमूव कर सकते हैं होनिंग टूल से? होनिंग टूल क्या होता है सर? प्लेसमेंट स्टार्ट होगी, कोई बात नहीं, आप नॉलेज इकट्ठी करो, प्लेसमेंट कुछ नहीं है बच्चे, आप नॉलेज इकट्ठी करो बस। तो होनिंग टूल देखते हैं, होनिंग टूल कुछ इस तरह का होता है, देखो होनिंग टूल होता है ये, कितने एमएम हमारा जो है मेटल रिमूव कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। तो कितने लोगों का आएगा आज? मुझे लगता है सबसे अच्छा जवाब दे रहे हैं पराग जी, पराग परमार, शाबाश, अपने आप को शाबाश दे सकते हो मेरी तरफ से, मैं आपके साथ बैठा हूं ऐसे सोच के। तो ए इज द राइट आंसर, 0.75 mm, इतना हम रिमूव कर सकते हैं, इतना रिमूव कर सकते हैं 0.75, इसको रट्टा मार लो, आएगा पेपर में, फिर देखोगे ये क्या हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गियरिंग, गियर फिनिशिंग और प्रोसेस, गियर फिनिशिंग प्रोसेस इसमें से कौन सी नहीं है, गियर हॉबिंग, गियर शेविंग, गियर लैपिंग या गियर ग्राइंडिंग, तो कौन सी नहीं है? 13.A, 13.B, 13.C, 13.D, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गियरिंग फिनिशिंग प्रोसेस, नॉट, फिर से कहूंगा नॉट है, ग्रेट ग्रेट, आपको कांग्रेचुलेशन विनेश वाला, विनेश वाला आपका पहले भी मैं आपका नाम पढ़ चुका हूं काफी बार, ग्रेट, एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दें सभी विनेश वाला को,
विनेश बालाजी की सिलेक्शन हुई है सेंट गोबैन प्राइवेट लिमिटेड, तो ऑल द बेस्ट बच्चे इसमें आपने। और जिस जैसे भी कंपनी में एंटर कर जो बच्चे, कुछ ऐसा नहीं छोड़ना जो आपको ना आता हो, वहां पे सीखने वाला हर चीज सीख लेनी वहां जाके। तो इसका राइट आंसर ए, गियर होबिंग नहीं होता फिनिशिंग ऑपरेशन, बाकी सब हमारे पास फिनिशिंग है। कौन से? गियर शेविंग, गियर लैपिंग, गियर ग्राइंडिंग, तो ये हमारे पास फिनिशिंग प्रोसेस है। गियर होबिंग इज नॉट ए फिनिशिंग प्रोसेस। मैकेनिक इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू होती है जी? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे, जे हम लिखते हैं ना, तो उसकी कितनी वैल्यू होती है जी? ये बता दे। इसका देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है। 14.A, 14.B, 14.C, 14.D, तो क्या होता है इसका राइट आंसर? जल्दी से, कम टाइम है हमारे पास। स्पीड अप, स्पीड अप। आपने लिखना है समीर वर्मा जी, आपने लिखना है 14.A, 14.B, 14.C, 14.D, ऐसे लिखना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख देख के कि ये आंसर है, और इसमें से आपको खुशी मिलेगी जान के कि सिर्फ अली जैद और हमारे पास जतिन गुप्ता जी और ध्रुव, इनका राइट आंसर आया है, बाकियों का नहीं है। 14.1868 किलो जाओ ना, कि ये किलोग्राम पर कैलोरी, आप ये क्यों पढ़ रहे हो? आपने जिन जिन्होंने ए राइट आंसर दिया है, ये बड़े लोगों का ए आएगा, बड़े लोगों का सी आएगा, पर पढ़ तो लो, पहले यूनिट्स तो पढ़ लो फिर ही बात करना। पहले यूनिट्स पढ़ लो, यूनिट्स पढ़े बिना मत करो ऐसी बातें। गुड, आप यूनिट नहीं पढ़ रहे हो और सीधा, अच्छा 4.18 है, जी, ये 4.18 है बच्चे, नहीं ऐसा करना। नमस्ते नमस्ते जी, क्रेजी मैथ स्टूडियो स्टडी, सॉरी क्रेजी मैथ स्टडी। ओके, एन आइसोपिस्टिक प्रोसेस। आइसोपिस्टिक प्रोसेस किसे कहते हैं? आइसोपिस्टिक प्रोसेस किसे कहते हैं? आइसोपिस्टिक जी, विनेश वाला जी, थैंक यू सो मच सर। सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेस्ट नहीं है, बेस्ट एक ही है, परमात्मा है, बहुत बैठे हैं बच्चे बेस्ट। मैं कहता हूँ इतने अच्छे अच्छे टीचर बैठे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे टीचर। मैं कई अनअकैडमी वाले टीचर्स को बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मुझे सपोर्ट करते रहे, आपकी सपोर्ट से मुझे लगता है कि मेरा जोश दुगना हो जाता है। ठीक है, आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, मेरी फीस है, आधे से मेरी फीस है, आप मुझे शेयर करें डेली, एक बार शेयर कर दें, आप समझ लेना सर को मैंने फीस दे दी। आइसोपिस्टिक प्रोसेस, तो ये किस, क्या राइट आंसर है? मुझे राइट आंसर नहीं मिल रहा है इसमें से। प्रदीप कुमार ग्रेट और पराग कुमार ग्रेट, बाकियों का कौन? हाँ एक और आलोक वर्मा ग्रेट। प्रेशर, आइसोपिस्टिक का वर्ड देखो, हम प्रेशर क्या पढ़ते हैं? आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक पढ़ते हैं, लेकिन आइसोपिस्टिक भी हम कह देते हैं, प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आइसोपिस्टिक पहली बार अगर पढ़ा हुआ है कहीं पे तो ठीक है, नहीं तो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, शेयर कर दें यार मेरी ना वेबसाइट को शेयर कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर कर दें, बस ये है गुरु दक्षिणा। और परसों है टीचर्स डे, तो अगर आप शेयर करेंगे मुझे पता लग जाएगा कि शेयर हुई है मेरी वीडियोस, देखते हैं ठीक है कौन गुरु दक्षिणा देता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, यूनिट मास ऑफ दैट गैस, टोटल अमाउंट ऑफ गैस एट सम स्टेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बताइए जी। थैंक यू विनेश वाला, थैंक यू, थैंक यू प्रजापति, थैंक यू। इसका राइट आंसर है 16 पॉइंट का जी, 16 पॉइंट, 16 पॉइंट, 16 पॉइंट, जल्दी से क्विक, हाथ जल्दी चलने चाहिए। यही मैं बोलू ना, किसी से चैट करनी हो ना किसी लड़की से, फिर देख सालों के हाथ चलते हैं टक 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 टक, और बिना देखे फिर तो ना नीचे चल के चल रहे होते हैं जब चैट करनी होती है, यहाँ हाथ कांपते हैं क्या? जल्दी करो। यहाँ इसका बी इज द राइट आंसर, यूनिट मास ऑफ दैट गैस, यूनिट मास ऑफ दैट गैस। तो हमारे पास एक यूनिट मास ऑफ दैट गैस, उसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, आगे बताइए जी। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है बच्चे, आप जितने लोग हो ना, आप एक बात ध्यान करना, क्रिकेट में जितने भी ग्राफ्स आते हैं सब आपको समझ आते हैं,
जहां भी पैसों की बात आती है हमारी कैलकुलेशन सही होती है, जब लेकिन पढ़ाई की बात होती है सब ये सारी चीजें हम फ्लॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, तो ये है मैक नंबर, मैक नंबर। तो बच्चे जिनका सी है उनका राइट आंसर है मैक नंबर होता है, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, इसकी रेशियो को हम मैक नंबर बोलते हैं। ओके, बॉडी इज सेड टू बी फ्लोटिंग, फ्लोट करती है बॉडी, कब करती है, वेट बाउंसी फोर्स से ज्यादा हो, वेट बाउंसी फोर्स के इक्वल हो, वेट लेस देन एफ बी हो, या नन ऑफ द अबव हो। जी, फ्लोटिंग कब करेगी, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हम चला सकते हैं इसका। तो 18.A, 18.B, 18.C, 18.D, व्हाट इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर। तो बैटर, बैटर आप थोड़ा सा देखना, बैटर वाला आंसर, बैटर जो ज्यादा नजदीक आंसर वो वाला देखना हमने। तो ये हमारा सही है सी, अब आया थोड़ा स्पीड पे राइट आंसर, अब आया मजा मुझे भी पढ़ के कि हाँ ये इतना आता है। 19 का बताइए जी, अ समर्ज्ड बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, अगर हमारे पास समर्ज्ड बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी, अबव द सेंटर ऑफ बायंसी, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ बायंसी, या नन ऑफ द अबव, ए बी सी डी, 19.A, 19.B, 19.C, 19.D, व्हिच वन इज द राइट आंसर। स्पीड, स्पीड थोड़ी एनर्जी नहीं है क्या, और जो अभी आप बैठे हो अगर बेड पे तो अभी सीधे खड़े हो जाओ, अभी आप सीधा बैठो, कभी भी लेट कर नहीं पड़ना कभी भी। अगर आर्मी के जवान वहां पे खड़े बर्फ हमारे लिए रक्षा कर सकते हैं, हम यहाँ चेयर पे बैठ के पढ़ नहीं सकते क्या, ठीक है, इतना वहां खपाई कर सकते हैं आप, नौकरी पे कितने कितने घंटे खड़ोगे, यहाँ नहीं जी मैं लेट के पढ़ूंगा, लेट के कभी नहीं पढ़ना। कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ बायंसी, जब सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पे आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए तीन होते हैं, हमारे पास तीन होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जिसमें ये बॉल ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ जाएगी, अनस्टेबल होता है कि यहां से यही निकल जाएगी, और हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो तीन इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है, तो तीन इक्विलिब्रियम होते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपलें दी हुई है वीडियोस में, तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये तीन इक्विलिब्रियम होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट बताइए जी, इन ऑर्डर टू अवॉइड सेपरेशन इन वेंचुरीमीटर द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज कैप्ट, तो अगर हमने अवॉइड करना है सेपरेशन को वेंचुरीमीटर में, तो कितना एंगल रखना चाहिए हमें डाइवर्जेंस के लिए, वेंचुरीमीटर में कितना एंगल होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से, 20 का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनर्जी के साथ। अरे यार ये क्वेश्चन, ये वाला ऊपर वाला न्यूट्रल, हाँ मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे लगता है ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, ऊपर वाला क्वेश्चन देखता हूँ दोबारा, अभी आपको करा देता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है मुझे लगता है उसके स्टेटमेंट में, ठीक है, जो यार एक्चुअली टाइपिस्ट है मेरा, वो टाइपिस्ट गलत कई बार टाइप कर देता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी, तो हमारे पास सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, उसने ना गलत कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये क्लियर कर दूं बच्चे दोबारा एक बार, आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है, ये मुझे लगता है कि उन्होंने गलत टाइप कर दिया, ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ बच्चे, ये क्लियर कर देता हूँ, ये मेरे से हुआ है, गलती हुई है, हाँ गगनदीप सॉरी, ये एक्चुअली टाइपिस्ट से गलती होगी। तो मेरे पास क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, तीन पोजीशन होती है, एक होती है स्टेबल, एक होती है अनस्टेबल, जिसमें हमारे पास स्टेबल में ये होगा स्टेबल, और दूसरा होता है मेरे पास अनस्टेबल, वो एक्चुअली उसने न्यूट्रल लिखना होगा, वो ये गलती कर दी, मैं उसको लिख के देता हूँ हाथ से, वो टाइपिस्ट कई बार ऐसी गलती हो जाती है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ये होता है हमारे पास। तो न्यूट्रल में होता है बच्चे क्या होता है, कॉन्साइड करता है, क्या करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेरे पास सेंटर ऑफ बायोंसी, तो वो दोनों कॉन्साइड कर जाते हैं एक जगह पे, बायोंसी और ग्रेविटी एक ही जगह पे आ जाते हैं। ये केस कौन सा है, जैसे ना आप क्या करना है, एक प्लेट लेना जिसमें आप रोटी खाते हो ना, ठीक है, लगा लो
गलती मेरी से है तो ये लो, ठीक है, दो लगा लो जी, गलती मेरी है तो मैं ही थप्पड़ मारूंगा अपने। तो ये देखो, ये यहां से ये प्लेट जो है ना, आप क्या करना, पानी में प्लेट डाल देना, पानी में प्लेट डालोगे ना तो वो वहीं पे फ्लोट करनी शुरू हो जाएगी, वो वर्ल्ड वहीं पे फ्लोट करनी शुरू कर देगी, ठीक है। अर्शदीप विरदी, थैंक यू जी, मैं बहुत ठीक हूँ जी, तो वहीं पे फ्लोट करनी शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास जो होगी ना, उसमें हमारे पास दो कॉन्साइड करेंगे, यहाँ पे कॉन्साइड करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो नीचे होगी और मेरे पास सेंटर ऑफ वायंसी ऊपर होगा। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, इसमें अगर करेंगे तो ये एक्चुअली यहाँ पे न्यूट्रल आएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आएगा इसमें, तो ये स्टेबल नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल वाला आना है। ओके, तो इसमें स्टेबल नहीं आएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। ओके जी, ओके ओके ओके, होते हैं सर ये ना, एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ना बुक्स में भी गलती है, जो टाइपिस्ट को देते हैं तो वो बुक्स में भी गलती वही वाला टाइप कर देते हैं, तो बुक्स वाले भी गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ओके जी, ओके 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 ओके, ठीक है जी, मैं देखता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे दोबारा। हाँ जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। फोर स्ट्रोक इंजन वाला वीडियो सुपर है, थैंक यू आलोक जी, मैं अपने थप्पड़ तो बहुत लगाता हूँ बच्चे। किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाने वाला हूँ। वो अब बंदा कहाँ चला गया जो क्वेश्चन पूछ रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था यार इतना कुछ। थैंक यू बच्चे, आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो। ओके ओके, मैं फ्यूजिबल प्लग पे कर दूंगा सर, मेरा 9:30 है रोज का क्लास का टाइम, 9:30 है। देखिए बच्चे, मैं फिर से कहूंगा कि स्पेशल पेपर की कोई भी तैयारी नहीं करवाता हूँ, सिर्फ मैकेनिकल की तैयारी करता हूँ, करवाता हूँ, और उसी में हमारा क्या हो जाता है कि सब कुछ आ जाता है, उसी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। हाँ, स्टेबल स्टेबल वाले में क्या होता है कि हमारे पास ग्रेविटी जो है ना वो नीचे रहती है। स्टेबल वाले में आप हमेशा ही ये याद रखना, देखना जो बसेस भी होती है ना, बसेस को हम लोअर फ्लोर बनाना शुरू कर देता है, कर दिया ना हमने, कर दिया। बसेस जो है लो फ्लोर क्यों बनाते हैं, उसमें हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका नीचे रखने की कोशिश करते हैं, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखने की कोशिश करते हैं इसलिए। ओके, अब देखो वो बंदा भाग गया, अब नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट कल दोबारा मिलेंगे। ओके जी।